दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जो TUCI करके मोबीन खान वो ग्रुप में जो है मैसेज डाल रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में एक 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर रखा जाएगा और उसकी सैलरी 20,000 रुपये होगी। उस संबंध में मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला आपको बताता हूँ। पहले तो आप उनकी जो बात है, मेरे जो फ़ोन पे उनसे बात हुई जो रिकॉर्डिंग है वो सुनिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। के बच्चों का, किसका? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का जो 5 साल से नीचे के होते हैं। जी, अच्छा, तो डेवलपमेंट आप किस तरह से करेंगे? मतलब हमारी ये संस्था है, उसी के तहत करेंगे। अच्छा, मतलब आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है TUCSI, जिसका पूरा नाम है दान कमांड स्टोरीज ऑफ इंडिया। ठीक। अच्छा, रजिस्टर्ड संस्था है एक? हाँ, फाउंडेशन है, सेक्शन 8 कंपनी के तहत रजिस्टर्ड। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप लोग टीचर ढूंढ रहे हैं? हाँ, टीचर हायर। तो टीचर हायर करने का जो प्रक्रिया है वो किस तरह की है? वो देखिए, ऐसा है, प्रक्रिया ये है, इसमें पहले तो अभी एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है। अच्छा, हाँ, उसको जो पास कर पाएंगे, ठीक है, उनको जो है रखा जाएगा उसमें। मतलब थोड़ा योग्यता देखी जाएगी, आंकी जाएगी, क्या है, आप पढ़ाने लायक हैं या नहीं है। ठीक है। अच्छा, न्यूनतम फिर भी रखा हुआ तो होगा कि इंटर पास चाहिए या हाई स्कूल हाँ, पास चाहिए? इंटर पास तो है उसमें, इंटर पास है, इंटर पास अनिवार्य है, इससे कम नहीं। अच्छा, हाँ, महिला पुरुष कोई भी काम कर सकता है। तो इसके संस्थान कहाँ कहाँ पर रहेंगे? प्रत्येक गांव में। पूरे भारत के? नहीं, मैं पूरे भारत के नहीं, उत्तर प्रदेश के बोल रहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में। हाँ, बाकी ये चल तो पूरे भारत में रही है और विदेशों में भी काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी फर्म है। ठीक। अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब हमें केवल उत्तर प्रदेश में ही देखना है। अच्छा, तो जो आपने ग्रुप में जो लिंक भेजा है उस लिंक पे क्लिक करके वहां से फॉर्म फिलअप करना है? नहीं, उस पे शायद फॉर्म का लिंक नहीं अभी भेजा हमने। अच्छा, उसमें शायद ऐड डाला अभी, अभी लिंक नहीं डाला। अच्छा, तो उसमें कुछ डिमांड वगैरह है आप लोगों की? कुछ सिक्योरिटी वगैरह जमा कराते हैं या ऐसी? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यही तो है, फिर डेवलपमेंट कैसा? अच्छा, हाँ देखिए, ऐसा है, हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, परीक्षा लेकिन पास करना अनिवार्य रहेगा। अच्छा, तो आप इस संस्था में जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल जुड़े। तो आपका पद क्या है इसमें? देखिए, हमारा अभी उत्तर प्रदेश मैनेज करने का काम है। ठीक है। अच्छा, बाकी देखिए, अभी आगे चल के प्रोजेक्ट तो काफी है इसमें, पहले ये चलना है। ठीक है। और तो अप्रैल में शुरू होगा, तो अप्रैल से ही काम चलेगा। अच्छा, परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह से लोगों को तैयारी करना है, वो प्रश्न कहाँ मिलेंगे उन लोगों को? देखिए, ये कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, इस टाइप से होंगे जैसे आपकी नॉलेज क्या है, आप बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस। अच्छा, इतना नाम नहीं पूछा जाएगा नाम। अच्छा, बेसिक बेसिक चीजें होंगी इसका मतलब? हाँ, बेसिक चीजें जो है वो जानना जरूरी है, ताकि मान लिया सब कैसे फिर काम कर पाएंगे अगर जो ऊपर नहीं कर। अच्छा, तो आप फॉर्म का तो लिंक भेजिए जो फिलअप करना है, जिसके थ्रू फिर हम बाद में पेपर दे सकेंगे सारे लोग। हाँ, वो भी भेज रहे हैं सबको, जो मान लिया हमें कांटेक्ट कर रहा है उसको भेज रहे हैं। देखिए, जबरदस्ती किसी को डलवाना नहीं है। ठीक है। जी, फॉर्म तो भर देगा, संख्या बढ़ा देगा, लेकिन ऐसे बंदे हमको चाहिए नहीं। अच्छा, सैलरी कितनी है इसमें? सैलरी नहीं है, मानदेय। अच्छा, मानदेय कितना है? 20,000 रुपये पर मंथ है या ईयर है? मंथली। अच्छा, मंथली है। अच्छा, तो कहने का मतलब है, लिंक इसलिए हम नहीं भेज रहे हैं हाँ, ताकि
जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं, ठीक है? जी 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 हाँ, तो जो कांटेक्ट कर रहा है उसको लिंक देता दे देता हूँ मैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना लिंक भेज दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है जी, कि आपके जानने वाले जो भी हैं हाँ, और जो संपर्क में हैं, अगर हाँ, जो चाहे ठीक है, जबरदस्ती किसी को मत डलवाना। तो क्योंकि देखिए, किसी पे जबरदस्ती लाद दोगे तो वो धोकर केवल डाल देगा और कुछ नहीं करेगा, ना वो तैयारी करेगा, ना कुछ काम करेगा, ना कुछ। हाँ, जबरदस्ती तो कोई किसी से काम कराया नहीं जा सकता, वो तो बात सही है। तो इसलिए मैं लिंक ग्रुप में शेयर नहीं किया हूँ, क्योंकि वो फिर जबरदस्ती वाला हो जाता है, उसमें सब भर देते। तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दीजिए लिंक। हाँ, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, कोई और ऐसी बात जो जानना जरूरी हो या आप बताना चाह रहे हो? नहीं, आप अगर जो कोई पूछना है, कोई आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो आप मुझे वो लिंक भेज दीजिए, मैं उसको जो है उसके URL पे जाके चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लगातार मेरे पास कॉल्स आ रही हैं आपकी इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में, फिर मैं अच्छा। उन लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है भाई? ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिए। ठीक है, भेज दीजिए। तो दोस्तों, देखा जैसे कि मैंने वीडियो के रिकॉर्डिंग के लास्ट में इनसे कहा कि मुझे लिंक भेज दीजिए, तो इन्होंने कोई भी लिंक नहीं भेजा जिस पे कि ऑनलाइन किया जा सके। तो दोस्तों, अधिकतर लोग ऐसे ही ठगी और फ्रॉडबाजी करते हैं सीधे साधे लोगों के साथ। तो इस सब कुछ ये इस सारी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी ठग के चक्कर में ना पड़ें, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी को नहीं दें और किसी के भेजे हुए लिंक पर ऐसे क्लिक भी ना करें, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं वो लिंक पर क्लिक करके ही ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ना ही ऐसा कुछ है कि 20,000 रुपये महीना 5 साल से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई संस्था ऐसे दे। शिक्षित टीचर जो कि शिक्षा मित्र हैं, लगभग 12-15 साल से लगातार गांवों में पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो उनको मौका दिया जाता, वो 10-10 हज़ार में अभी तक पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे आपसे विनम्रता यही अनुरोध है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई किसी भी ठगी के चक्कर में ना आए, और इन लोगों का जल्द से जल्द जितने भी चीटर लोग ग्रुप में आए या जैसे भी जुड़े सबका बायकॉट करो। ठीक है, ये मोबीन खान अपना नाम बता रहे हैं, मालूम नहीं कौन है क्या है। तो आप देख रहे थे अपने भाई का चैनल ऑल टाइप नॉलेज, मैं हूँ शारिफ खान, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।